विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर में नजर आई अभिनेत्री आर्या बनर्जी की हो गई संदिग्ध हालातों में मौत। कोलकाता पुलिस को आर्या का खून से लथपथ मिला शव। फेमस डांसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा को आया हार्ट अटैक, जिससे रेमो डिसूजा मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुए आईसीयू में भर्ती। केजीएफ 2 में अपने सारे एक्शन सीन्स खुद करेंगे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, बॉडी डबल लेने के लिए संजय ने किया इनकार। रजनीकांत के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत के लिए ट्वीट कर दी एक्टर को बधाई। उन्होंने लिखा, प्यारे रजनीकांत जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी को बताया असली दिलवाला, कोरोना काल में रोहित शेट्टी के द्वारा की गई मदद के लिए उन्हें किया गया सम्मानित। नीतू कपूर की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, इस बात की जानकारी खुद नीतू की बेटी रिद्धिमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। शूटिंग के दौरान हुई थी नीतू इस महामारी की शिकार। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म मैडे की शूटिंग हैदराबाद में हुई शुरू। बता दें कि ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा इन दिनों लड़ रही जिंदगी और मौत की लड़ाई। एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा को हुआ ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर हालत में मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत आ गए कोरोना की चपेट में, जिसके बाद उन्हें खुद को किया सेल्फ आइसोलेट। युवराज के पिता योगराज सिंह को भड़काऊ भाषण देना पड़ा महंगा, विवेक रंजन ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल से निकाला योगराज सिंह को।